हेलो एवरीवन। सो लास्ट लंबे वीडियो में वी हैव कवर्ड दी आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम। सो टुडे वी विल समराइज दी आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम एप्लीकेबिलिटी एंड कंपैरिजन। ओके, सो दिस इज़ द इनिशियल पोर्शन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विच आई विल कवर लेटर ऑन आफ्टर स्टडिंग ऑल आर्टिफिशियल लिफ्ट। सो नाव यू नो द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम। सो नाव यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विच आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर विच कंडीशन। सो लेट स्टार्ट विथ दिस। इट जस्ट अ बेसिक्स यू ऑलरेडी नो, बट आई जस्ट रिकॉल वेरी वेल very soon, and we will move to the next topic, which is the optimization process, or I can say nodal analysis, or I can say the calculative portion of the production. Okay, most calculative portion of the production. So देखो ये वाला figure कुछ हमें कुछ बोलने की try कर रहा है। ये कुछ इस तरह से बोल रहा है कि यहाँ पर reservoir का कुछ pressure है initially, उसके बाद ये bottom hole पर आ रहा है। तो देखो initially reservoir का pressure था, okay, that means यहाँ पर भी अभी कुछ production नहीं लिया तो यहीं पर भी इतना ही pressure है, ठीक है। और जैसे ही आपने well को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो ये फ्लूड यहाँ तक ही पहुँच पा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ तक ही फ्लूड पहुँच पा रहा है और यहाँ पे कोई फ्लो नहीं आ रहा सरफेस पे। देखो Q इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। व्हाट डज मीन दैट? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी थी, ओके, और ये वाले पॉइंट पे फ्लूड को लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी है, मान लो यहाँ पे बर्नौली के इक्वेशन की बात करूँ, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 1000 जितनी एनर्जी है तो फ्लूड यहाँ पे पहुँचेगा तो उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1000 मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या था? बर्नौली का इक्वेशन था, ठीक है। ऐसा कुछ हमने देखा था, ये दोनों इक्वल होता तो फ्लो हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। बट मान के चलो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे 2500 एनर्जी है ये वाले पॉइंट पे। अगर हम बर्नौली का पॉइंट टू पे एनर्जी काउंट करें और यहाँ पे एनर्जी काउंट करें, दैट मीन्स यहाँ पे जो लॉस्ट हुआ 1500 का, ठीक है, ये क्या हो रहा है? लॉस्ट हो रहा है, या फिर इतनी एनर्जी कम पड़ रही है कि फ्लूड यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। तो सिंपली ये वाले मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जब यहाँ पे बर्नौली के इक्वेशन के सेंस में बात कर रहा हूँ या एनर्जी कंजर्वेशन के सेंस में बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे से अगर किसी को जंप लगाना है और यहाँ पे आना है तो उसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी खड़ा है, उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने उसको एनर्जी दे के यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब इसको वापस गिरना है तो उसको उतनी एनर्जी हमें नहीं प्रोवाइड करनी होगी। बट यहाँ से किसी को ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको हमें एनर्जी देनी होगी। कितनी एनर्जी? तो यहाँ पे एनर्जी थी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो उसके डिफरेंस जितनी। क्यों? क्योंकि एक तो ये हाइट पे जा रहा है तो हाइट की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होने का मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से जंप इजीली मारेगा बट ऊपर जाने के लिए उसको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। और मैं प्रेशर के सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे ये प्रेशराइज फ्लूड है, ठीक है, सारी एनर्जी मिला के, ठीक है, जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको मिला के यहाँ पे मान लो उसके पास इतना प्रेशर है, ठीक है, जो भी एनर्जी अवेलेबल है उसको मिला के इतना प्रेशर है, बट यहाँ पे फ्लो रेट नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ये यहाँ तक ही लिफ्ट हो पा रहा है। यहाँ पे आके इसका प्रेशर जीरो हो जा रहा है। यू कैन सी हियर, ये देखो डेप्थ पे प्रेशर कितना है, जीरो है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो प्रेशर हमने किया काउंट, ठीक है, वो जो प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या कहाँ पे खर्च हो रही थी? तो एक तो ये हाइट की, ठीक है, रोजी है जितनी, ये हेड पे खर्च हो रही थी। डेट मीन्स मान लो 2500 का 2000 जितना पोर्शन तो यहाँ पे ही खर्च हो गया, प्लस फ्रिक्शन भी लग रहा था तो उसमें मान लो 500 जितनी खर्च हो रही थी। और मान के चल रहा हूँ ये वाला पाइप का पॉइंट है, सिमिलरली ये वाला भी पाइप का पॉइंट है, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल है क्योंकि डायामीटर नहीं चेंज है, तो काइनेटिक हेड में, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी उतनी वेलोसिटी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मैं आपको आगे जब बर्नौली इक्वेशन की बात करेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी सोच लो यहाँ से वहाँ तक फ्लूड जा रहा है तो उसमें कोई
काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स काइनेटिक में कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होती तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा लॉस होता क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, बट यहाँ पे कोई डायामीटर चेंज नहीं कर रहे तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, दैट मीन्स ये दोनों यहाँ पे ही खर्च हो रहे हैं और यहाँ पे आके ये प्रेशर जीरो बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जब फ्लूड आएगा तो उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पे फ्लूड आएगा तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी मान लो वो कितनी होगी, 2500 जितनी। वाई? क्योंकि एनर्जी का तो कभी लॉस नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ओनली कन्वर्ट हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे 2500 जितनी एनर्जी थी, यहाँ पे भी 2500 जितनी ही उसमें एनर्जी स्टोर होगी, बट मैं ये प्रेशर जीरो लिख रहा हूँ उसका मीनिंग कि अभी आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा लॉस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको इसको ऊपर लेना है तो ये यहाँ पे मान लो ये वाले पॉइंट पे इतनी एनर्जी है 2700 जितनी, ठीक है। तो एनर्जी की बात करूँ तो इसको भी आपको 2700 जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। 200 जितना प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा ये हेड जनरेट के लिए, वो तो आप समझ सकते हो ना, ये जो जेड है तो रोजी जेड जितना आपको प्रेशर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी थिंकिंग है, ठीक है। एनर्जी और प्रेशर के टर्म में कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक ही चीज़ सोचो, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ही चीज़ सोचो, यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेशर के टर्म में बात किया, ओके, यहाँ पे प्रेशर के टर्म में बात किया, ये फ्लूड यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, एक तो ये हेड जितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ रही है, अब वो नहीं रहेगी जब फ्लूड यहाँ पे पहुँचेगा, वो एनर्जी लॉस हुई। उसका मतलब है कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और मान के चलो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी लिखूँ रोजी एच, तो यहाँ पे क्या एनर्जी होगी, पी रिजर्वायर माइनस रोजी एच जितनी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो ये यहाँ पे रोजी, सॉरी यहाँ पे कितनी है, पी रिजर्वायर जितनी है, सॉरी यहाँ पे पी रिजर्वायर जितनी उसके पास एनर्जी है, तो रोजी एच जितनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हुई, ये हेड जनरेट करने में वेस्ट हुई। दैट मीन्स अब फ्लूड के पास कितनी एनर्जी होगी, पी आर माइनस रोजी एच जितनी फ्लूड के पास एनर्जी होगी, ठीक है। फ्लूड की बात कर रहा हूँ तो फ्लूड के पास उतनी एनर्जी होगी, बट मैं अगर ये लाइन की बात करूँ, ठीक है, ये लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, मैं ओनली अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जब जीरो जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, यहाँ पे कितनी जीरो, यहाँ पे मान लो जीरो जितनी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे जीरो जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो मुझे किसी भी बंदे को इतनी हाइट पे मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, रोजी एच जितनी। कितनी एनर्जी स्टोर उसमें होगी, रोजी एच जितनी। यहाँ पे पी आर जितनी एनर्जी है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, पी आर इन प्लस रोजी एच जितनी। इसका मीनिंग क्या है, ये फ्लो इस डायरेक्शन में इजीली हो सकता है, बट ये वाले डायरेक्शन में ऑब्वियसली फ्लो नहीं होगा। अगर आपको फ्लो जनरेट करना है तो आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है रोजी एच जितनी, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। ये रोजी एच जितनी एनर्जी आपको क्या करनी होगी, ऑब्वियसली प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, रोजी एच जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी होगी, ये मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, ये वेस्ट के सेंस में बात कर रहा हूँ, और ये स्टोर्ड एनर्जी है जो भी पॉइंट के पॉइंट पे उस सेंस में बात कर रहा हूँ, ये दोनों में एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, बट ये मोर और लेस हम एनर्जी के टर्म में ऐसे बात करते हैं कि ये वाली लाइन पे क्या एनर्जी है, ये वाली लाइन पे क्या एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी से लो एनर्जी की ओर फ्लो होगा, ठीक है। फिर वो एनर्जी चाहे कोई भी यूनिट में हो, PSI में हो, फीट में हो, या कोई भी यूनिट में हो, वो वैलिड होता है, ठीक है। पर यहाँ पे जो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके पास फ्लूड के पास कितना प्रेशर होगा, यहाँ पे फ्लूड के पास PR जितना प्रेशर है, और यहाँ पे कितना उसमें प्रेशर है, PR माइनस रोजी एच, और वो कितना बन रहा है, PR माइनस रोजी एच जितना प्रेशर है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हेड का चेंज कितना हुआ, रोजी एच जितना। देखो यहाँ पे भी रोजी एच जितना चेंज हुआ, यहाँ पे भी रोजी एच जितना चेंज हुआ, ठीक है। तो एक क्या है, ऊपर चढ़ने के सेंस में बात है, और दूसरा क्या है, डाउनवर्ड आने के सेंस में बात है। दैट इज दी ये साइन क्या हो रहा है, प्लस और माइनस हो रहा है, बाकी और कुछ कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे एनर्जी का लॉस्ट हुआ क्या? नहीं, एनर्जी का कोई लॉस्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी होती है, जीरो जितनी एनर्जी है। दैट मीन्स आप मान लो पी आर, इनिशियल प्रेशर पी आर है, तो रिजर्वायर के प्रेशर जितनी एनर्जी है, ये वाले पॉइंट पे ज़्यादा एनर्जी क्यों स्टोर हुई? पी आर प्लस रो जी एच जितनी, क्योंकि अब ये फर्स्ट फ्लोर पे है, ये ग्राउंड फ्लोर है तो ये फर्स्ट फ्लोर है। दैट मीन्स अगर ये यहाँ से जंप लगाएगा तो इजीली जंप लगा सकेगा, तो दैट इज़ द रीज़न हाइट की वजह से उसमें ये एनर्जी ज़्यादा स्टोर हुई है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से जंप लगाना है तो हमारी एनर्जी कितनी रिलीज होगी? रोजियत जितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, रोजियत जितनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि यहाँ पे अब जो फ्लूड आ गया होगा उसमें रोजियत जितनी एनर्जी कम हो चुकी होगी। ठीक है, रोजियत जितनी एनर्जी कम हो गई होगी, उसको अगर ऊपर भेजना है तो आपको ये रोजियत उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये रोजियत जितना उसमें एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से समझो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और जब तक डायमीटर चेंज ना हो तब तक काइनेटिक हेड का कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये हमारे चैप्टर में मोर और लेस काइनेटिक वेलोसिटी का इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये अब यहाँ तक लिफ्ट हुआ, तो अभी भी मुझे इसको ऊपर भेजना है तो मुझे क्या करना होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐड करनी होगी, वो मैं किससे करूँगा? आर्टिफिशियल लिफ्ट से। ठीक है, तो ये हमने समझा हुआ है, तो लेट मूव फर्दर। ठीक है, तो देखो ये वही एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने पंप डाल दिया, यहाँ पे पंप डाल दिया तो पंप ने क्या किया? उसमें एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे 2500 थी, ठीक है, और यहाँ पे जीरो बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी, अब इसके पास जीरो एनर्जी थी, फिर आपने एक्सटर्नल सोर्स लगाया और उसने प्रेशर के सेंस में एनर्जी को बढ़ा दिया। देखो ये एनर्जी ने क्या किया, पंप ने इतनी एनर्जी बढ़ा दी, तो उसके बाद पंप की वजह से ये ऊपर उठ गया। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा। ठीक है, मान लो ये हेड हमें कवर करना है और ये हेड है रोजी जेड जितना, तो इतनी एनर्जी प्लस मान लो यहाँ पे जो फ्रिक्शन ड्रॉप हो रहा है एच एफ जितना, ठीक है, इतना पंप को डेवलप करना पड़ा होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आएगा, यस। ठीक है, कितना पंप को डेवलप करना पड़ा होगा? रोजी एच जितना हेड, यानी कि ये जेड है इतनी हाइट, तो ये रोजी जेड प्लस उसमें जो ये वाले सेक्शन में जो फ्रिक्शन ड्रॉप हुआ हो वो एच एफ लिखा है। ठीक है, या फिर आप पी एफ लिखो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फ्रिक्शन का इन दिस टर्म ऑफ द प्रेशर जो लॉस्ट हुआ वो उतना हमारे पंप को डेवलप करना पड़ा होगा, तो अपना फ्लूड यहाँ पे पहुँच जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला इनअप नहीं था, ये वाला यहाँ पे आके खर्च हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी फ्लूड में? तो ये 2500। ठीक है, बर्नुली के सेंस में बात करो तो यहाँ पे फ्लूड पहुँचा, तो फ्लूड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी? 2500 प्लस रोजी एच, तो अब एच कौन सा वाला लूँगा? ये वाला प्लस फ्रिक्शन जितनी। ठीक है, कितनी फ्रिक्शन जितनी, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर हुई होगी। ठीक है, स्टोर हुई, और फ्लूड के पास एनर्जी है नहीं, ठीक है, वो फ्लूड के अंदर स्टोर हो चुकी है, फ्लूड के पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, फ्लूड के पास एनर्जी कितनी है? जीरो। ये एनर्जी कहाँ पे है? फ्लूड के इनसाइड स्टोर हुई है। ठीक है, इस सेंस में ये होता है। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पे अब इसके पास कोई एनर्जी है नहीं ऊपर उठने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी एनर्जी क्या हो चुकी है? उसके इनसाइड स्टोर हो चुकी है, अब वो नहीं खर्च पाएगा। ठीक है, ये एनर्जी उसके इनसाइड स्टोर हो चुकी है, अब वो खर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे था तो वो खर्च कर सकता था। ठीक है, वो उसके इनसाइड स्टोर नहीं थी। ठीक है, बट यहाँ पे पहुँचा तो उसके इनसाइड इतनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, वो स्टोर हो चुकी है उसमें, वो खर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे दिक्कत आएगी अगर ऐसा समझने में आपने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब दो तीन बार सोचो, खुद से सोचो क्या हो रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्ट कंजर्व हो रही है। दैट मीन किस टर्म में आप ऊपर चढ़ रहे हो? ठीक है, तो आप में एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी वो। ठीक है, फिर नीचे आना है तो आप अपने आप आ जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। बट अब जब आप पाँचवें माले पे पहुंच चुके होगे तो वहाँ पे अब आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगी। ठीक है, आप रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लो, आप स्टेयर चढ़ के जा रहे हो, आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँच रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे आपके पास मान लो 5 जूल जितनी एनर्जी है और आप यहाँ पे पहुँचे तो आपने ये 5 जूल क्या कर दिया? खर्च कर दिया। दैट मीन्स आपके इनसाइड कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है? 5 जूल जितनी। ठीक है, दैट मीन्स अगर आपको फिर से यहाँ से जंप लगाना है तो यू कैन इजीली जंप इट आउट विदाउट
एनी एक्सटर्नल सोर्स। वाई? बिकॉज आपके इनसाइड कितनी 5 जूल जितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, बट अब आप ऊपर नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपकी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, यानी कि आप खर्च नहीं कर सकते एनर्जी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये ऐसे सेंस में होता है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 2500 से जीरो हो रहा हूँ, दैट मीन्स वो 2500 जितनी एनर्जी यहाँ पे पहुँच रहा है तब उसमें स्टोर हो चुकी है। ठीक है, दैट मीन्स अब वो आगे कुछ खर्च नहीं कर पाएगा। और ये एनर्जी क्यों खर्च हुई? ये हाइट चेंज होने से। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो लो दिया है हमारे साइंटिस्टों ने, उन्होंने बोला है कि हाइट के साथ आप में क्या स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ग्रेविटेशन की वजह से होती है, ऑब्वियसली बात है। ओके, सो ये बात थी छोटी सी जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी अब तक, तो अब वो क्लियर हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये अब आप सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे देखो आप रिव्यू करते हैं तो लेट्स सी। अब देखो इसमें सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, अब देखो ये वाली एक फिगर देख लो, यू कैन रीड दिस ऑल आउट, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, सब कुछ बताया हुआ ही है। तो देखो हमने पंप के टाइप देखे थे। ठीक है, अब वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ताकि डायरेक्ट MCQ पूछ ले ये कौन से टाइप का है। तो वहाँ पे दो टाइप के पंप थे, एक था डायनेमिक और दूसरा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? इस तरह की जो मोशन होती है अप एंड डाउन, या फिर कोई भी मोशन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, आपका आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, जिसमें आपका फ्लूड आ रहा है फिर निकल रहा है, आ रहा है निकल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे हमने दो पंप देखे थे, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप जो अपना SRP था वो, और दूसरा था रोटरी। ठीक है, रोटरी में भी क्या होता है, ये जो अपना रोटर होता है, ठीक है, रोटरी पंप या प्रोग्रेसिव कैविटी पंप था वो एक टाइप का रोटरी पंप है, या फिर इसको मोनो पंप भी बोला जा सकता है। तो इसमें ये रोटर क्या कर रहा था? घूम रहा था, तो अपना फ्लूड ये वाले सेशन से ये वाले सेशन में इस तरह से मूव होता था। और मैंने आपको बताया था कि मान लो ये रेशियो था जो, ठीक है, PR/PS का ये 2:1 हो सकता है, ठीक है, 3:2 हो सकता है, दैट मीन्स नॉट 1/2, ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो सकता है? 1/2 हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ 2:3 हो सकता है। दैट मीन्स अगर ये 2 है तो ये आपको 1 लेना है, ये 3 है तो आपको ये 2 लेना है। और ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ दी लूप्स होते हैं। ठीक है, मड मोटर में बात किया था, अगर मान लो स्टेटर में 2 लूप है तो रोटर में ऑब्वियसली एक ही होना चाहिए, स्टेटर में 3 लूप है तो यहाँ पे आपके 2 लूप भी होने चाहिए। ठीक है, तो एक लूप कम होता है। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला बना लो, N/N+1 होगा PR/PS। ठीक है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, आप इसको लिख लो कहीं पे कि एक लूप कम होता है, बाकी वो घूम ही नहीं पाएगा। एक बात ध्यान में रखना, अगर आपने ये रेशियो मेंटेन नहीं किया, ठीक है, वहाँ पे N क्या इंडिकेट करता है? N इंडिकेट करता है कि आपके PR, यानी कि आपका जो रोटर है, ठीक है, उसमें कितने लूप है। ठीक है, आपने देखा था इस तरह से क्रॉस सेक्शन में, इस तरह से हमने देखा था कुछ इस तरह से, ये 1:2 था। ठीक है, दैट मीन्स ये अवेलेबल है फ्लो के लिए, तो ये आधा पार्ट क्लोज होता है, 50% एरिया अवेलेबल होता है। तो ये आपका 1/2 होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। मान लो मैं बोल रहा हूँ आपके लूप है स्टेटर में 7, तो रोटर में कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तभी वो घूम पाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना अगर नहीं पता है तो, ठीक है, लिख लेना रोटरी पंप में। ठीक है, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव कैविटी पंप में लिख लेना। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद हमने देखे थे डायनेमिक। डायनेमिक पंप यानी कि जो, जैसे कि अपना हो गया इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, रोटरी रोटर जो कम्प्लीटली रोटरी हो, ठीक है, दैट मीन्स कि ये क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो देर इज द ESP। और इसी में दूसरा वेंचुरी का इफेक्ट डाल के या जेट की इफेक्ट डाल के हमने जो पंप देखा था, दैट इज हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग पंप। तो ये क्लासिफिकेशन था। ठीक है, आपको ये पता ही होगा, ऑब्वियसली आपने BTEC किया है तो मोरल इतना तो पता होगा, पंप के टाइप तो मैं मानता हूँ पता होगे, नहीं पता है तो अभी किया और आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली आना चाहता हूँ, देखो एक फिगर, ये वाली फिगर देखो, ये वाली फिगर क्या इंडिकेट कर रही है कि ये एक IPR है। ठीक है, ये क्या है? फ्लो रेट प्रोडक्शन रेट वर्सेस फ्लोइंग बॉटम वॉल प्रेशर। तो ये हमने ड्रॉ किया है, चलो अभी मान लो ये कर्व है, IPR ही है। ठीक है, IPR क्या होता है, वी विल सी सून, अभी इसी लेक्चर में देखेंगे मोर ऑर लेस। ठीक है,
तो अब ये आपका देखो, ये रिजर्वायर प्रेशर वर्सेस फ्लो रेट का कर्व है। आपको पता है Q इज इक्वल क्यू अपन पी आर माइनस पी बॉटम होल क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है। और आप यहाँ से पी बी एच को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, पी बी एच क्या होगा आपका पी आर माइनस क्यू अपन पी आई होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने P बॉटम होल दैट मीन्स फ्लोइंग बॉटम होल प्रेशर वर्सेस फ्लो रेट का कर्व लिया है, तो उसका स्लोप क्या होगा, ऑब्वियसली ये उसका स्लोप मिलेगा जो आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये वही कर्व है, ठीक है, ये उसी टाइप का कर्व है। और उसका इंटर्नशिप क्या होगा, P होगा, दैट मीन्स ये वाला प्रेशर क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, रिजर्वायर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, रिजर्वायर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। ये वाले फॉर्मूले को y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स पे ड्रॉ किया है, ठीक है। सो यू कैन सी जब ये वाला रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, दैट मीन्स ये कर्व को इंडिकेशन दे रहा है, ये स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को इंडिकेशन दे रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपका बता रहा है कि अगर आपका पंप नहीं है, ठीक है, ये आपका पंप लगा नहीं है, तो ये वाला कर्व देखो कम्प्लीटली स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये यहाँ पे आके क्या होगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक क्या हो रहा है, यहाँ से लेके ये प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी जब भी स्ट्रेट लाइन है और उसमें हम अगर पंप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका प्रेशर देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है, ये देखो पी बॉटम होल क्या है, जीरो है। एंड यू नो जब भी पी बॉटम होल जीरो होता है, वहाँ पे जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ओपन फ्लो, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ओपन फ्लो। क्या था जब हमारा ये गेज प्रेशर लिखा हुआ है, सो यहाँ पे जीरो होगा, एट दैट टाइम जो फ्लो रेट मिलेगा, दिस इज द मैक्सिमम फ्लो रेट, ऑब्वियसली ये क्या होता था, मैक्सिमम फ्लो रेट, और उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ओपन फ्लो रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पे ये वाला मैक्सिमम फ्लो रेट मिला। बट जब भी आपने पंप यूज़ किया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रिलेशन में ही मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने ये देखा था प्रोडक्ट इंडेक्स वाला, जब भी आपने पंप किया तो ये इंक्रीज हो गया। देखो आपका बॉटम होल प्रेशर गिर नहीं रहा है, 2500 वैल्यू के अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि बॉटम होल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस तरह से बोल रहा है, यहाँ पे 2500 जितनी वैल्यू क्या है, लंबे टाइम तक अटेंड हो रही है, क्यों, क्योंकि ये गिर रहा था, ठीक है। मान लो ये वाली स्ट्रेट लाइन फॉलो होती तो ये कम हो रहा था, यू कैन सी ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था, ठीक है, ये क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो ये उसको एक्सटर्नल सोर्स किससे मिल रहा है, आर्टिफिशियल लिफ्ट से मिल रहा है, तो ये वैल्यू कम नहीं हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका बॉटम होल प्रेशर सस्टेन हो रहा है और आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, 125% जितनी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा एक कर्व आपको दिया गया है इसी में, ठीक है, जो डॉटेड लाइन दी गई है वो एक दूसरा कर्व है जो वोगल भाई साहब ने दिया था, ठीक है, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, इसके बाद हम वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो वी विल सी, ओके, वो वोगल भाई साहब ने कर्व दिया था, ठीक है, ये वोगल भाई साहब ने बोला था। और उन्होंने क्या बोला था कि आपका जब अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर है, बिलो सैचुरेटेड है, दैट मीन्स बबल पॉइंट के प्रेशर आपका कम है, ठीक है, दैट मीन्स ये वाले पॉइंट से आपका प्रेशर कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैस रिलीज हो चुका होगा, तो गैस रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाला प्रेशर जल्दी गिर रहा है, ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है, जल्दी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जल्दी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो हो रहा है। बट अगर आपने लिफ्ट लगाई है, ठीक है, लिफ्ट लगाई है तो उसमें क्या होगा, ये इस तरह से नहीं डिक्रीज होगा, ठीक है, ओके। तो आपने अगर इसमें लिफ्ट लगाई है तो आपका 60% इंक्रीमेंट हो रहा है, बट मैक्सिमम रिकवरी कब है, जब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा हो अपना IPR, ठीक है, ये एक IPR कर्व है, वी विल सी सून। बट अभी आप मान लो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा रिकवरी देगा, कब, जब आपका स्ट्रेट लाइन है,
ऐसा क्यों होता है, तो मेरी थिंकिंग ये कहती है, ठीक है, आई मे बी रॉन्ग बट मेरी थिंकिंग ये कहती है कि बबल पॉइंट के अबो, ठीक है, बबल पॉइंट पे ही, यानी कि जहाँ पे भी बबल पॉइंट अचीव हो रहा है वहाँ पे हमने देखा था विस्कोसिटी सबसे कम होती है। और आपको पता है यहाँ पे गैस क्या होता है, ये वाले पोर्शन में गैस ऑयल के इनसाइड होता है, ठीक है, ऑयल के इनसाइड क्या होता है, गैस होता है। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा, एक तो डेंसिटी ये लो कर रहा है, ठीक है, ये डेंसिटी लो कर रहा है, प्लस अगर गैस ऑयल के इनसाइड है तो गैस कंटिन्यूअस फिल्म में नहीं चल रहा होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, फ्रिक्शन से जो लॉस्ट होता था अपनी एनर्जी में वो कम होगा, और अगर वो कम होगा तो ऑब्वियसली आपका फ्लो रेट अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है, आपका फ्रिक्शन से जो लॉस्ट हो रहा है वो फ्लो रेट आपका, वो आपका क्या करवाएगा, कम करवाएगा। अगर गैस इनसाइड रह रहा है तो दैट इज, दैट माइट बी रीज़न कि यहाँ पे आईपीआर में ज़्यादा रिकवरी किस में हो रही है, आपके स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है, अबो सेचूरेटेड, ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है, बिलो सेचूरेटेड, ठीक है, दैट मीन्स बबल पॉइंट के लेस प्रेशर पे और ये बबल पॉइंट के ज़्यादा प्रेशर में, ठीक है। तो अब ये था रिकवरी की बात, अब बात करते हैं, ये सब जाने दो, ये वाली फिगर, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी एडवांटेजेस एज वेल एज दी डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सो एक बार पढ़ लो ये सारे, ठीक है, एक बार ये सारे पढ़ लो, मैं स्टार्ट करता हूँ। रोड पंप है, ठीक है, मैं काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो हमने डिस्कस किया हुआ है, सो नो नीड टू वरी, बट आप इसका स्नैप ले लो या फिर आपके पास बुक है तो जेरोक्स बुक है तो ठीक है, वरना ये यू कैन आइडेंटिफाई। देखो रोड था, ठीक है, तो वो क्या कर पा रहा था, तो पंप ऑफ कंट्रोल अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, इजीली होता था। और सेकंड चीज़, हाई टेम्परेचर पे विस्कस क्रूड को क्या कर रहा है, लिफ्ट करवा रहा है, भाई हाई टेम्परेचर में फ्लूड उतना विस्कस होता ही नहीं है, चलो इसीलिए उन्होंने बोला है। फिर लो बॉटम होल फ्लोइंग प्रेशर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लो बॉटम होल फ्लोइंग प्रेशर हो गया, दैट मीन्स उसके पास एनर्जी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2500 जितनी एनर्जी चाहिए थी ताकि ये फ्लूड सरफेस तक आ जाए, बट ये एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, 500 जितनी, तो ये इसको भी एनर्जी दे देगा कितनी, 2000 जितनी, ठीक है। और मैंने आपको बात बताई थी अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप हाई डेल्पी क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट इज़ द रीजन लो बॉटम होल प्रेशर पे ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम क्या क्या थे, तो वो हमने सारे डिस्कस किए थे, वही यहाँ पे लिखे हैं, सॉलिड नहीं आना चाहिए, गैस नहीं आना चाहिए, फिर आप इसका इंजन होता है वो ज़्यादा नॉइजी होता है तो अर्बन में नहीं चलेगा, ठीक है, हेवी इक्विपमेंट ऑफशोर में नहीं चलेगा, डेविएटेड वेल में रोड का क्या होता है, की सीटिंग हो सकता है तो वो नहीं चलेगा, तो उसे ये सब है, ठीक है। और ये मॉडरेट फ्लोरेट के लिए था, कैसे फ्लोरेट के लिए, मॉडरेट फ्लोरेट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप की बात करूँ तो हाई फ्लोरेट यानी कि हाई वॉल्यूम डिलीवर करना है, वाटर को जल्दी से आपका ब्लॉकिंग आ रहा है तो उसको निकाल देना है, तो उस टाइम पे आप ESP यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सरफेस पे कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, दैट इज़ द रीज़न ये ऑफशोर में भी चलता है, बट गैस लिफ्ट हो तो पहली प्रेफरेंस क्या होगी, गैस लिफ्ट होगी, ठीक है। इसके अलावा ये कोरोजन या फिर स्केल की ट्रीटमेंट इसमें पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अपने इक्विपमेंट तो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस है, केबल के रिलेटेड जो हमने केबल देखा था वो हमें साथ में ही लेने जा पड़ रहा है, अगर वो आपका अगर बर्बाद हो गया तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, आपकी कंपनी है तो आप बर्बाद हो जाओगे, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर कई बार क्या होता है, ये आप पंप इंस्टॉल कर रहे हो इनसाइड दी ट्यूबिंग, तो आपको केसिंग बड़ी लेनी पड़ सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इसके अलावा वेंचुरी का जो हाइड्रोलिक पंप था जो हमने देखा था, मैंने बोला था, तो ये भी हाई वॉल्यूम के लिए होता है, ठीक है। और ये क्या, इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई सरफेस प्रेशर, आपको उस टाइम पे बताया था कि सरफेस पे से एक लिमिटेड प्रेशर ही हम उसको दे पाएंगे। इसके अलावा फ्री गैस रिड्यूस पंप इफिशियंसी, ठीक है, फ्री गैस अगर है, हमने फ्री गैस को एन्यूलस में से ही प्रोड्यूस कर लिया था, ठीक है, ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगर फ्री गैस है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप बढ़ा देगा, ठीक है, फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप हाई वेलोसिटी पे, हम देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेंचुरी से अगर फ्लूड को किसी का एरिया रिड्यूस करके हम फ्लूड को मिक्स करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ था वहाँ पे, यहाँ पे से रिजर्वायर में से एक फ्लूड आता था और ऊपर से हमने हाई प्रेशर पे फ्लूड भेजा था, इसका एरिया कम करके हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका काइनेटिक हेड पिक्चर में आएगा और ये वेलोसिटी बढ़ रही है v² / 2g,
तो ये लॉस्ट हो रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ही तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये लॉस्ट हो रहा है, ये लॉस्ट ही तो हमारा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लॉस्ट है, काई पोटेंशियल का रोजियस जितना लॉस्ट है, तो इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं तभी तो अपना फ्लूड एज जितनी हाइट पे लिफ्ट होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वी स्क्वायर बाई टू जी जितना यहाँ पे हेड होता है, ठीक है। ये कौन से यूनिट में है, मीटर में है, ठीक है। यू नो वन आप रो वी स्क्वायर लिखो तो प्रेशर के यूनिट में होता है, ठीक है। आएगा बाद में, बट अभी समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ऊपर उठ रहा है और मान लो ये काइनेटिक लॉस को हम कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पे गैस मिक्स हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, फ्रिक्शन लॉस बढ़ा देगा, ठीक है। दैट इज द रीजन नो गैस अलाउड, ठीक है। देन गैस लिफ्ट ये ज्यादा सॉलिड टॉलरेंस करता था, ठीक है। इसमें वॉल्यूम देखो, इसमें तो पूरा फ्लो एरिया ही ओपन है, तो ऑब्वियसली इसमें भी लार्ज, इसमें मॉडरेट वॉल्यूम होना चाहिए था इसमें, इसके कंपेयर में, ठीक है। वी विल सी वन फिगर लेट इसके बाद में ही, ठीक है। बट गैस लिफ्ट के डिसएडवांटेज, वेरी हैवी फ्लूड होता है तो वहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर विस्कस और इमल्सिफाइड फ्लूड, ठीक है। लिफ्ट गैस मे नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, वो तो आपको पता भी चलेगी, ठीक है। हाई मिनिमम बॉटम होल प्रेशर नॉट अबेडेड प्रेशर मे नॉट बी रीच्ड, ठीक है। ये सारे डिसएडवांटेजेस है, आपको पढ़ोगे तो ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव ग्रेविटी पंप हाई विस्कस फ्लूड के लिए होता है जिसमें सॉलिड ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये उसी के लिए स्पेशल बना है, डेप पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा इसका कोई और यूज़ नहीं है। इसमें सरफेस पे तो कोई फैसिबिलिटी होती नहीं, जो रोटर और स्टेटर होता है वो भी डाउनवर्ड होता है, केवल इसमें ही सरफेस पे आपको लगाना पड़ता है। इसमें आपका पंप ऑफ कंट्रोल वेरी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, पंप ऑफ कंट्रोल इसमें कैसे करोगे, मान लो रिजर्वायर जो फ्लूड भेज रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम वेल इनफ नहीं है कि आपका प्रोग्रेसिव कैविटी पंप रन करवाने पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिले, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इसमें तो आप पंप बंद करते थे, इसमें भी पंप बंद कर दोगे, बट इसमें डिफ़िकल्ट क्या आएगा, उसमें तो आप इजीली क्या करोगे, जितना फ्लूड आया उतना भी लिफ्ट कर पाओगे, बट इसमें इफ़िशियंट फ्लूड नहीं होगा। तो वो जो अपना स्टेटर होता है, ठीक है, इस तरह का स्टेटर होता है, ठीक है, ये घूमता रहता है, ये वाला जब रोटेट कर रहा होगा, आप इमेजिनेशन करो, तो ये वाला फ्लूड क्या कर रहा है, मैं पहले रोजिया चटा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का जो रोटर है, ठीक है, वो स्टेटर में फ्लूड इस तरह से इनफ डिफरेंशियल प्रेशर यहाँ पे फ्लूड का भी होना चाहिए तभी ये लिफ्ट करेगा। तो अगर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो उसमें फिर बहुत दिक्कतें आती है इसको वो करने में, ठीक है। तो याद रखो ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जो भी एक दो छोटे मोटे नहीं डिस्कस किए, सारे ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज लास्ट फिगर, देख लो जो फिगर आपको ड्रॉ करके दी है वो, देखो वॉल्यूम कौन ज़्यादा ड्रॉप करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम कौन उठाएगा, तो ईएसपी के मुकाबले कोई नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस गैस लिप, ठीक है, और इंटरमीडिएट गैस लिप बहुत ही कम, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन रेट है तो इंटरमीडिएट का वॉल्यूम कम होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। और शक्कर रोड पंप का मॉडरेट होता है, ठीक है, ये मॉडरेट देख सकते हो। बट अगर ये आपको शक्कर रोड पंप में ये वॉल्यूम ज़्यादा उठाना है तो आपको कम डेप्थ पे रखना होगा, तो ये कम डेप्थ पे रखोगे तो ज़्यादा वॉल्यूम लिफ्ट कर पाएगा, ठीक है। यानी कि कम प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करना होगा तो फिर ऑब्वियसली वॉल्यूम ज़्यादा उठा पाएगा, ऐसा और एक किसी के केस में नहीं होता है। सो यहाँ पे देखो पीसीपी का भी दिया हुआ है, पीसीपी का भी उतना ज़्यादा, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रेविटी पंप का भी मॉडरेट होता है, हाइड्रोलिक का भी मॉडरेट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछेगा कि आप इसका ऑर्डर लिख के बताओ कि आर्टिफिशियल लिफ्ट कौन ज़्यादा करता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा कि जिसमें ईएसपी का सबसे ज़्यादा होगा, मान लो ऐसे दो ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर कंपैरिजन होगी एसआरपी में और गैस लिफ्ट में, तो ऑब्वियसली आप गैस लिफ्ट सिलेक्ट करोगे क्योंकि फ्लो एरिया सबसे ज़्यादा ओपन होता है, ठीक है। तो फिर आपका आंसर 4 MCQ में से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा ईएसपी, उसके बाद गैस लिफ्ट और उसके बाद मॉडरेट वॉल्यूम में आते हैं एसआरपी और वो सब, ठीक है। और सबसे कम वॉल्यूम कौन लिफ्ट कर पाएगा, आपके सरफेस प्रेशर पे जो लिमिटेड है, ठीक है, जो सरफेस प्रेशर पे लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन वो बनाएंगे नहीं, अगर बनाएंगे तो वो 4-5 पैरामीटर लिख के देंगे। मींस मान लो वो बोल रहा है हाई फ्लो रेट है, ठीक है, हाई फ्लो रेट चाहिए, ठीक है, और जो अपना क्रूड है उसकी API 15 API से बड़ी है,
ठीक है 15 या 20 बोल देगा, 20 API से बड़ी है और ऑफशोर में यूज़ करना है तो विच इज़ मोस्ट सूटेबल। ओके ठीक है, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, एक तो ऑफशोर है ठीक है, ऊपर से ये उतना हैवी क्रूड ऑयल भी नहीं है और आपको फ्लोरेट PI चाहिए तो ऑब्वियसली यू विल यूज़ दी गैस लिफ्ट, ठीक है यू विल यूज़ दी गैस लिफ्ट। और अगर गैस लिफ्ट ऑप्शन नहीं है देन यू विल सिलेक्ट ESP, ठीक है। बट अगर गैस लिफ्ट ऑप्शन है तो ESP के सामने वो अच्छा प्रेफरेंस है बिकॉज ऑफशोर में यूज़ करना है, ठीक है। तो गैस लिफ्ट ऑप्शन में तो ऑब्वियसली यू विल सिलेक्ट गैस लिफ्ट, ठीक है। अगर वो ऐसे कुछ बोल रहा है हाई फ्लोरेट मुझे डिलीवर करना है, हाई फ्लोरेट आई वॉन्ट टू डिलीवर हाई फ्लोरेट, मेरे में सॉलिड भी है विस्कस क्रूड भी है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट वेरी हाई विस्कस है, तो वो बोल रहा है कि वेरी हाई विस्कस है और हाई वॉल्यूम है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। विस्कस और सॉलिड है तो फिर ऑब्वियसली आपको PCP ही यूज़ करना होगा, ठीक है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछ सकता है बट डोंट थिंक कि यहाँ से कैलकुलेशन को छोड़ के वो ऐसे क्वेश्चन पे जाए, ठीक है। इसमें से कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी आती है तो यू नो ओके, हमने कैलकुलेशन में फर्स्ट SRP में देखा था, MPR जो भी कैलकुलेशन देखा था, ESP में भी देखा हुआ है और गैस लिफ्ट में भी देखा हुआ है एज वेल एज दी PCP यानी कि मड मोटर में करवाया था, वैसे वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और कुछ उसमें है नहीं। तो ये चार में से एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। सो ये थी अपनी गैस लिफ्ट सेक्शन और उसका सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन कैसे करना है उसका आपका ब्रीफ होना चाहिए, आपको सब पैरामीटर ध्यान रखने हैं, ठीक है। कई बार दो भी एप्लीकेबल होगा, मान लो ESP भी एप्लीकेबल है गैस लिफ्ट भी एप्लीकेबल है, तो फिर वो कॉस्ट पे बात आ जाएगी कि किस में कॉस्ट कम पड़ रहा है और फ्यूचर में अगर मान के चलो फ्यूचर में कौन सा बेनिफिशियल हो रहा है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो यू कैन नॉट गिव दी परफेक्ट आंसर, बट आप इतना तो बता सकते हो कि भाई मुझे हाई वॉल्यूम डिलीवर करना है, लेस प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करवाना है तो कौन सा यूज़ करोगे। तो ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो कि मैं SRP तो नहीं यूज़ करूँगा, PCP भी नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बच्चे ऑप्शन गैस लिफ्ट और ESP, ठीक है, दोनों MC दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। इधर वो गैस लिफ्ट करवाना चाहेगा तो और एक पैरामीटर डाल देगा, ठीक है, कि 15 जितनी API है तो फिर कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, आपको क्या यूज़ करना होगा, ESP करना होगा, तो ऐसे ही वो डालेगा, ठीक है, ठीक है, डालेगा तो ऐसे डालेगा। और यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस टेबल ओनली, ठीक है, ये वाले टेबल से आपको आइडिया जो आ रहा है, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो बोल रहा है कि IGOR है, ठीक है, वो बोल रहा है IGOR है और आपका क्रूड है वो लाइट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन सा यूज़ करोगे, गैस लिफ्ट यूज़ करोगे, ठीक है। फिर वो बोल रहा है मॉडरेट डेप्थ पे चलना है, ठीक है, मॉडरेट डेप्थ पे चलना है और रिमोट लोकेशन है, ठीक है, रिमोट लोकेशन है, मॉडरेट डेप्थ पे चलना है और हाई वॉल्यूम डिलीवर करना है, ठीक है, हाई वॉल्यूम डिलीवर मुझे करना है और मेरा क्रूड है वो थोड़ा बहुत क्या है 15 API जितना ही है, ठीक है, 15 API जितना है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, ठीक है। तो यू कैन सिलेक्ट SRP बिकॉज उतना विस्कस तो चल जाएगा, ठीक है, बहुत हैवी 10 API या उसके बिलो है तो आप SRP शायद ना यूज़ कर सको, ठीक है। फिर आपको बोला है मॉडरेट डेप्थ पे आपको क्या करवाना है, यूज़ करना है, तो SRP ऑप्शन में नहीं है तो प्रोग्रेसिव कैविटी पंप हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे आपको ट्रायल एंड एरर, ठीक है, नॉट अ ट्रायल एंड एरर बट आपको आंसर क्या करना है 50-50, जो 1 करोड़ जीतते हैं उसमें 50-50 वाली लाइन होती है, उस तरह से आपको ऑप्शन को एक 1 by 1 क्या करना है, रिमूव करना है और आइडेंटिफाई करना है। तो ये था सिलेक्शन ऑफ दी आर्टिफिशियल लिफ्ट पे थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे आपने देखा कि कौन सा वाला प्रोफाइल में ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा प्रोडक्शन का, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन रिलेशन हो किसके सामने, वोगल के सामने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो बबल पॉइंट, ठीक है। सो आपने क्या देखा, आपने इतना इंक्रीमेंट देखा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इतना इंक्रीमेंट कहाँ देखा, स्ट्रेट लाइन में, और ये वाला इंक्रीमेंट देखो कहाँ पे है, 60% इंक्रीमेंट हो रहा है इन प्रोडक्शन जब आप वोगल वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो ओके,
तो अब देखो कितना टाइम हुआ है, हाफ एन आवर हुआ है। सो दिस इज ए समरी पोर्शन, ओके। और वन मोर थिंग, इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस बुक यू कैन रीड इट आउट, ओके। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मैंने ऑब्वियसली आपको बताती है, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो तो भी चलेगा, बट पढ़ना चाहो, ठीक है। इट्स गुड प्रैक्टिस टू रीड अ बुक, ठीक है। किसी और का इंटरप्रिटेशन और को आप समझो, ठीक है, और आप पढ़ के खुद का इंटरप्रिटेशन करो और फिर उसको जिसने ऑलरेडी समझा है उसके साथ मैथ करो, तो वो ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया देगा। सो ऑब्वियसली मेरी एडवाइस है कि पढ़ लो एक बार, टाइम अभी बहुत है, अभी गेट तो बहुत दूर है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि ये बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बार अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको नॉवेल की तरह भी पढ़ सकते हो। 74 पेजेस की बुक है ये, सिंपल सी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ दी ऑल, बट आप बहुत कुछ स्किप कर सकते हो अगर आप अभी के लिए पढ़ो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आप क्या क्या स्किप कर सकते हो, कि हमने वेंचुरी में जेट वाले इफेक्ट नहीं पढ़ाई है मैंने, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं सोच रहा हूँ वेंचुरी वाली इंपॉर्टेंट थी तो वो बता दी, ठीक है, और उसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप सरफेस पे से प्रेशराइज कर रहे हो, नीचे वेलोसिटी का हेड डेवलप करवा रहे हो ताकि आपका फ्लूड वो हाई वेलोसिटी से फ्लूड को धक्का मार के ऊपर तक लेके आ जाए, ठीक है। ऐसा प्रिंसिपल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट उसमें फिर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया, ये सब अभी के लिए स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ दी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, और उसमें हम क्या बात करेंगे, जो हम अब तक बात कर रहे थे वो फाइनली कर देंगे अब, ठीक है। मोर ऑर लेस आपको सब कुछ बताया हुआ है, बट दैट इज़ द रीज़न मैं हर बार आपको ये एनर्जी वाली बातें बता रहा हूँ, ठीक है। वाई? बिकॉज दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वेयर यू कैन ट्रैप, ओके, बाय द गेट, ठीक है। यू ट्रैप्ड बाय द गैप, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। यहाँ पे कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक फ्लूड आ रहा है और मुझे वेल हेड पे कुछ प्रेशर चाहिए, ठीक है। वेल हेड पे कुछ प्रेशर चाहिए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप होगा, वो कौन कौन से फॉर्म में होता था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फ्रिक्शन के तौर पे। इसके बाद ये अभी रुक नहीं रहा, आगे जाएगा तो चौक में लॉस्ट होगा, तो चौक का प्रेशर ड्रॉप देखेंगे और फिर सेपरेटर का प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। सो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात तो हमने ऑलरेडी देख ली, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो रोजी एच है, ये वन ऑफ रोवी स्क्वायर है, ये फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन के चैप्टर में देखेंगे, बट वी विल ऑप्टिमाइज दिस सिस्टम कि हमें कौन से फ्लो रेट पे प्रोडक्शन लेना सही रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। उसमें हम वोगल इक्वेशन, फैटकोविच का तो पता नहीं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आई विल टॉक ओनली इक्वेशन। देन नोडल एनालिसिस में IPR कैसे ड्रॉ करेंगे, OPR कैसे ड्रॉ करेंगे, OPR गैस ऑयल के लिए कैसा होगा और वाटर ऑयल के लिए कैसा होगा, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। डायामीटर के सेंस में कैसे चेंज होगा पाइप के, उस सेंस में बात करेंगे। और उसके बाद हमारा चौक का जो हमने ड्रॉप किया था, वो चौक का फ्लो रेट और वो सब उसका कैलकुलेशन देख लेंगे, यानी कि हैरियट वेट वॉल्यूम 1 का चैप्टर 3 हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग हियर। सो थैंक यू वेरी मच, जय जिनेंद्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।